कानून क्या है पाठक जी? कानून ये है, सुनिए सुनिए, आपने FIR लॉन्च की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ये पाती है कि अपराध नहीं बनता, सुनिए एक मिनट ये, तो कोर्ट के जो कंसर्निंग कोर्ट होती है, जहाँ क्षेत्राधिकार होता है पुलिस का, वहाँ वो डायरी लेके जाती है और बोलती है साहब इसमें चालान ही कार्रवाई के लायक साक्ष्य नहीं है, हम उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। तो कोर्ट एक नोटिस शीट खोलती है, सुप्रीम कोर्ट का एक वो है कि जो जिसने रिपोर्ट कराई है उसको सुनना जरूरी है, तो आपको सुनवाई हो जाएगी, आप डॉक्यूमेंट ले आना, कार्रवाई हो जाएगी। हम मजिस्ट्रेट को डायर कर देते हैं, आपको नोटिस देकर आपके डॉक्यूमेंट को विचार करने को ऑर्डर कर। श्रीमान ऑर्डर शीट लगी मजिस्ट्रेट साहब की रिपोर्ट में, क्या लिखा है उसमें? श्रीमान के इसमें जो पुलिस ने कार्रवाई की वो अनुसंधान सिर्फ एक दिशा में। अरे तो अल्टीमेट क्या बोला उन्होंने? अल्टीमेट श्रीमान उन्होंने खात्मा जो था वो रिजेक्ट कर दिया, खत्म। और आपके पक्ष की है फिर वो खारिजी का कह रहे हैं सर, उसमें गाजी लगाने की तरफ पुलिस तो उसमें गाजी लगाना चाह रही है। तो भाई वही आपत्ति पेश करो ना आप, किस को जब वहाँ मामला आपको ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है, किस कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है, वही अपन में आप बात रखिए। आप वहाँ भी गलत रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट में भी मंगा। अरे भाई आप मजिस्ट्रेट साहब को बताइए ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये है, तो उन्होंने खात्मा मंजूर नहीं किया ना? नहीं किया, पर खत्म आया उनकी रिपोर्ट में ये खारिजी के लिए निर्देशित किया गया है, इन्होंने सर आधे डॉक्यूमेंट पेश किए है, डायरी तलब कर ली जाए। देखिए एक ही चीज में दो लोगों को क्षेत्राधिकार नहीं होते, जब उनका क्षेत्र उनका कार्रवाई खत्म हो जाएगी तब आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ खत्म हो जाएगी फिर यहाँ आना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप। ये अपनी जब उच्च न्यायालय के कार्रवाई पेंडिंग रहती है, उन्होंने 11 अपील में श्रीमान खात्मा पेश करने का प्रयास किया, पहले तो अपनी आप खात्मा पेश नहीं करते। नहीं श्रीमान ने 17 से कोई कार्रवाई नहीं की थी, जब अपने यहाँ श्रीमान लगने के बाद में श्रीमान कार्रवाई की, यहाँ के डायरेक्शन के बाद उन्होंने खात्मा पेश कर दिया सर, स्वीकार नहीं किया कोर्ट ने। आपको नोटिस देगा, हमारे ऑर्डर करें तो मजिस्ट्रेट को आपको सुनने के बाद डॉक्यूमेंट कंसिडर करने में तो विचार किया जाए। नहीं उसमें एक चीज़ और की है सर, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है, ये लिखा है कि इसमें साक्षी नहीं है, वो सब साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए उसमें। हम डायरेक्ट कर देते, कंप्लीट रिकॉर्ड पेश किया जाए, ऑर्डर कर देते, बोले श्रीमान को कंप्लीट, हां हां कंप्लीट पूरा, अरे यही निवेदन एग्री सर ऑफ नॉन एक्शन रिगार्डिंग FIR बेरिंग क्राइम नंबर 170 रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 406 IPC एट पुलिस स्टेशन फूप, कंप्लेनेंट तरुण रंजन पाठक फाइल दिस पिटिशन दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज नॉट कंसिडर्ड हिज डॉक्यूमेंट एंड फाइल क्लोजर रिपोर्ट बिफोर कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, लर्निंग मजिस्ट्रेट डिक्लाइन टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज हैंड इन ग्लोव विथ अक्यूज पर्सन ड्यू टू विथ he is not doing investigation impartially, SP Bint is directed that he personally supervise the crime number diary of crime number 170 under section 406 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाई हिम दे आर आफ्टर डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू सबमिट रिपोर्ट बिफोर कंसर्निंग कोर्ट। नेक्स्ट बिसाइड दिस लर्नर्ड मजिस्ट्रेट ऑफ फूप डिस्ट्रिक्ट भिंड इज डायरेक्टेड टू कंसिडर टू गिव नोटिस टू द कंप्लेनेंट
before accepting the report and consider all documents produced by him. It disposes.